আসসালামু আলাইকুম। আমরা এই মুহূর্তে পৌঁছেছি কলকাতার তুপসিয়া এরিয়ায়, যেখানে একটা সংস্থায় একটা সুন্দর কাজ হয়ে যাচ্ছে। এই মহামারীর সময় যে কাজটা হচ্ছে সেটা হলো কিট ডিস্ট্রিবিউশন, যাতে বিভিন্ন রকমের আনাজ দেওয়া হচ্ছে। এই সংস্থায় এসেছি আমরা, জেনে একটু কথা বলে নিতে যাই ওনার সাথে, যিনি সংস্থার সেক্রেটারি আছেন। আমি ওনার সাথে একটু এই বিষয়ে একটু কথা জানিয়ে নেব যে কীভাবে এনারা কাজটা করছে, আর সংস্থাটা কি শুধু এই কাজটাই করছে না আরও কিছু কাজ করে সংস্থা, আমি একটু জেনে নিতে চাইব এখানকার সিকিউরিটি থেকে। নামটা আমি জেনে নিতে চাই স্যার, আপনার নামটা একটু বলবেন। আমার নাম আবু তালহা জামাল কাশ্মীর, মাস্টার্স ইন উর্দু ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড লিটারেচার অ্যান্ড MBA ইন মার্কেটিং অ্যান্ড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট। আচ্ছা, সংস্থাতে এই শুধু কাজ হয় না, কিছু আরও কাজ হয় সংস্থায়? স্যার আমার তিন আলাদা আলাদা ব্যাকগ্রাউন্ড হয়। আচ্ছা, তামিল এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, অ্যাজ ইউ ক্যান সি কে ইয়ে মদার উইং হ্যায় অন ইয়ে ট্রাস্ট রেজিস্টার্ড এক নন প্রফিটেবল ট্রাস্ট, ইসকে জরিয়ে সে হম লোক সোসাইটি কে অন্দর किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, उनके हो, लड़की हो और किसी भी लेवल के हो, खासतौर से डाउन टू अदर ट्रॉडेड जो लोग हैं, अंडर प्रिविलेज जो स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए हम लोग ऑल काइंड ऑफ रिलीफ वर्क, ऑल काइंड ऑफ सोशल वेलफेयर वर्क, ये सारी चीज़ें होते हैं। उसमें स्कॉलरशिप देते हैं हम लोग स्कूल के बच्चों के लिए, तो स्कूल के बच्चों को स्कॉलरशिप हम लोग रेगुलर देते आ रहे हैं दो तीन साल से। ये एक हम लोग का बहुत बड़ा एक काम है। मेडिकल असिस्टेंस है, गरीब लोगों की शादियों को आसान बनाना है, सही रिश्ते उनको मिलवाना है, और फिर अगर मैरिज में उनको कुछ अगर लगता है तो उसमें हम लोग सपोर्ट भी करते हैं। उसके अलावा हम लोगों का फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। हम लोगों का जो है वो आप समझ लीजिए कि ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जैकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्कूल मदरसे के बच्चों को और ऑन द रोड रहने वाले लोगों को। और इसी के साथ साथ हम लोग हर साल रमज़ान के मौके पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन की हैसियत से एक इफ्तार किट हम लोग बनाते हैं, वो भी तकरीबन हम लोगों का 22 kg 25 kg तक का होता है, ऑल काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स और ग्रॉसरीज, ये भी हम लोग करते हैं, हर साल करते रह रहे हैं हम लोग। तो ये सब डिफरेंट काम है। ये तामिल एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के अंडर है, उसका एक विंग है जो अद्दारिन एजुकेशन सेंटर है, जिसके चार ब्रांचेस अभी ऑल ओवर कलकत्ता में हैं, अलहमदिल्ला यहाँ है, तुलसिया में है, एक तातीबाग के एरिया में है, एक जो है वो खिदरपुर में है, एक अभी अभी हम लोगों ने ठाकुरपुर में शुरू किया है अलहमदिल्ला, और एक कलीम अम्पायर में है बिरसुलहाट में। तो ये चार पांच ऐसे इदारे हैं जहाँ पे स्कूल के बच्चे बच्चियों को, बड़ी उम्र की खवातीन को, हमारी बहनों को कुरान और हदीस की सही तालीमात दी जाती है और इस्लाम की वो तालीमात दी जाती है जिससे वो सोसाइटी के लिए एक अच्छे इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने, हमारे इंडिया के लिए, हमारे वेस्ट बंगाल के लिए और दूसरे बरादरान वतन अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ किस तरह से हैप्पीली और पीसफुली हम इस दुनिया में वक्त गुजार सकते हैं, और कुरान और हदीस उसमें क्या कहता है वो सही मालूम हम लोग देते हैं, ये एक है। और एक तीसरा जो हमारा वो एक काम है वो है तामीर एडुकेयर सेंटर, जिसका काम ये है कि जिस पर अभी हम लोगों ने काम शुरू नहीं किया, वी आर वर्किंग ऑन प्लानिंग, उसका काम यह है कि स्कूल के वो बच्चे हैं जो बच्चे सही स्कूलों में नहीं है, उनको सही तरीके से तालीम नहीं मिल पा रही है, हायर एजुकेशन क्रैक नहीं कर पा रहे, तो उनको हम लोग मेडिकल, इंजीनियरिंग, जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स वगैरह इसके लिए हम लोग तैयारी करवाएंगे, और 10th में किस तरह से वो अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए, तो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक हम लोग उन लोगों को हाईली डेडिकेटेड और सिंसियर टीचर्स के जरिए से उनको हम लोग कोचिंग देंगे, और मोस्टली ये सब काम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। COVID-19 যে চলছে এখন, হয়ে এসেছে করোনা ভাইরাস, এই মহামারীতে আপনারা যে কিটগুলো রেডি করেছেন, অনেক জায়গায় ডিস্ট্রিবিউটও করছেন, আমরা আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেখতে পেয়েছি, JKB TV আপনাকে আজ দেখাচ্ছিল, আপনি সুন্দরবনে সব কিটগুলো যে নিয়ে গেছিলেন ওটা কি এখান থেকে সব তৈরি করা, আপনারাই তৈরি করে সব নিয়ে যাচ্ছেন, এগুলো এই সংস্থাই দিচ্ছে কি, আপনাদেরই সংস্থা সবগুলো নিয়ে পৌঁছচ্ছে? জি স্যার, JKB News है, वो फेसबुक एक पोर्टल है, वो अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, उनके भी रिपोर्टर ने जनाब जावेद साहब ने हम लोगों से, हमारे नहीं बल्कि मेरे रिस्पॉन्स दूसरे जो हमारे साथी साथ में गए थे आज, दूसरे वॉलंटियर एसोसिएशन
तो उन लोगों से रब्ता करके वो खुद आए कि आप लोग काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लोगों का हम लोग वाकई लाइव कवरेज करें। तो वो हम लोग के साथ गए थे। तो आज हम लोग तकरीबन 120 किलोमीटर अंदर तक हम लोग गए और सुंदरबन के 3 इलाकों में जाकर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया। इससे पहले हम लोग 550 फैमिलीज़ को कैलकटा के अंदर कैटर कर चुके हैं, ऐसी फैमिलीज़ को जो बाहर आकर मांग नहीं सकते। इवन गवर्नमेंट भी जिनको दे रही है वो उन्हीं लोगों को दे पा रही है गवर्नमेंट, ये जो लोग रास्ते में आकर कटडोल में राशन शॉप में आकर या पार्टी ऑफिस में आकर वो लोग ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग भाई बहन ऐसे हैं, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं कि वो घर से बाहर निकलते ही उनको कुछ भी दे दीजिए, वो बेचारे शर्म के मारे घर में बैठे हुए कि लोग क्या बोलेंगे। हमने उन लोगों की ऐसी फहरिस्त बनाई, हमारे वॉलंटियर्स डेडिकेटेड जो टीम है ऑल ओवर कैलकटा से और कैलकटा के बाहर से भी डिफरेंट इलाकों से, उन लोगों ने लिस्ट बनाया और लिस्ट बनाने के बाद प्रायोरिटी बेसिस से हम लोग 550 लोगों को हम लोगों ने दिया, जिसमें 22 से 25 केजी तक सामान था उसके अंदर। इवन हम लोगों ने डिटॉल सोप भी दिया और मास्क भी दिया, ताकि गवर्नमेंट जो चाह रही है कि इस वायरस को फैलने से रोकें और अपने आप की भी हिफाजत करें, और अपने अगर हम इफेक्टेड हैं तो हम दूसरों को भी ना पहुँचने दें। तो इसलिए हमने उनको सपोर्ट करने के लिए, हमारे गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने वो मास्क भी हर हर किट में 2-2 पीस बांटा, क्योंकि एक गरीब आदमी बेचारा खाने का सामान उसके पास अगर नहीं है तो वो मास्क वास्क कहाँ से खरीदेगा। 40-50 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ है, एक महीने में तो लोग ऐसे हालात में आ गए कि बहुत परेशान हो गए। अब हम लोगों ने 1000 से प्लस किट, अगर चाहिए बहुत छोटा सा है उनके मुँह में ज़ीरा बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारी कैपेसिटी है, क्योंकि हम लोग नॉन प्रॉफिटेबल नॉन पॉलिटिकल और सिर्फ हम लोग अपने डोनर्स के, जो सिंसियर डोनर्स हैं उनके डोनेशन से काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई बैकग्राउंड या कोई बैकअप हम लोगों के पास नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है हमारे पास। हाँ, वो लोग अगर नवाजेंगे देंगे इंशाल्लाह, हम लोगों को इस लायक समझेंगे तो हम लोग और बढ़ के काम कर सकेंगे। तो जो हमारे डोनर्स हैं हम लोगों को प्रोवाइड किया है, तो 8-10 लाख रुपये तक का अभी तक हम लोगों ने राशन तकसीम किया, और उसी पैसे से हम लोग जो है वो क्या वेस्ट बंगाल के आउटस्कर्ट्स में जो 5-7 जगह से हम लोगों को रिक्वायरमेंट्स आए हैं, वहाँ की कंडीशन को हम लोगों ने देखा है, तो लोकल लोगों से जब बात की तो बहुत अजीब लगा, दिल टूट गया। तो अब वहाँ एक एक लोकेशन को हम लोगों ने शुरुआत किया है। आज पहला हम लोगों का विजिट था सुंदरबन का, जो आपने बताया कि आपने देखा ही होगा, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कि हम लोग 4 गाड़ियों के ज़रिए से और जो है एक 407 में लेकर हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे, और रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल और करम रहा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छे कामों को सपोर्ट कर रही है। सर एक कथा जानते चाहिए, এটা কি সুন্দরবনেই শুধু থাকবে না, এমন কোন কোন জায়গা আপনাদের আরো মানে চিন্তা ভাবনা আছে? আজ তো আমরা সুন্দরবন গিয়ে থে, ওখানে তিন লোকেশন থা, ডেঙ্গি মে আমরা লোকে গাড়ি রোক দেনা পড়া, ফির ডেঙ্গি মে লেকার আমরা টাপু মে যাকার ওখানে পে লেকার আয়ে, ওখানে সব ফ্যামিলি কো বহুত জরুরত, এসে হি দুসরি জায়গা গয়ে থে, তিসরি জায়গা গয়ে থে, নন মুসলিম সারে লোক থে। স্যার ये आज का था, अभी इतवार को चूंकि देखिए एक चीज को रेडी भी करना पड़ता है ना, तो हमारे वॉलंटियर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन टीम है वो अलग है, और जो यहाँ बैठकर काम कर रहे हैं परचेज कर रहे हैं वो अलग टीम है, वो भी डेडिकेटेडली दिन भर रात भर मेहनत करके, आप देख रहे होंगे बाहर, आप देखें तो आपको नजर आएगा, तो वो लोग तैयार कर रहे हैं। तो 200 किट अभी रेडी हो जाएगा, तो अगला हमारा टारगेट इतवार के दिन, संडे के दिन सुबह के वक्त में इंशाल्लाह बशीरहाट और सॉल्ट लेक सेक्टर 3 में हमारे पास मुस्लिम नॉन मुस्लिम ब्रदर्स की एक फहरिस्त आई है, एक लिस्ट आया है, उनको हम लोग कैटर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্যার, এর আগেও কোথাও দিয়েছেন কি সুন্দরবনের আগেও কো আপনার কিট কোথায় কোথায় গেছে একটু বলতে পারবেন? আমি বাতায়া স্যার, ক্যালকাটা মেই হাম লোগোনে ফোকাস কিয়া, ক্যালকাটা কি অল ওভার ক্যালকাটা মে 550 এসি ফ্যামিলিজ কো, অর খাস তোর সে আমি হাম লোগ রিসেন্টলি 2 দিন পহলে ডল্লাপ হাম লোগ গয়ে, ওয়াহা কি বসমি ভট্টাচার্যা হ্যায় জো তৃণমূল কংগ্রেস কি ওয়াহা কি মহিলা জিলা প্রেসিডেন্ট ভি হ্যায়, উনকে রিকোয়েস্ট পে হাম লোগ ওয়াহা পে গয়ে আলহামদুলিল্লাহ, অর ওয়াহা পে জাকার ওনলি নন মুসলিম ব্রাদার্স এন্ড ফ্যামিলিজ কো হাম লোগোনে 22 সে 23 কেজি কা আলহামদুলিল্লাহ ऐसे 16 फैमिलीज को हम लोगों ने वहाँ पे जाकर कैटर किया, और उन्होंने फिर हम लोगों को राजा बगान में भी दिखाया है, तो वो भी हमने अपने फहरिस्त में डाल दिया है। अल्लाह ताला हम लोगों को देते जाए इंशाल्लाह, और हमारे डोनर्स हम लोगों के ऊपर तवज्जो देते जाए, और हमारी गवर्नमेंट भी अगर हम लोगों की तरफ तवज्जो दे इंशाल्लाह, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर जाकर जहाँ पर गवर्नमेंट भी नहीं जा पा रही है, हम जाकर वहाँ पर इंशाल्लाह खिदमत करना चाह रहे हैं। तो डल्लप अभी हम लोग 2-3 दिन पहले ही गए थे, उसका भी रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के पास रेडी है, और वहाँ पे तकरीबन 200 लोगों की और भी फहरिस्त हम लोगों के पास आई हुई है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम राजा बगान में रहने वाले पूरे वहाँ के इमाम साहब ने बाकायदा वहाँ की फहरिस्त बनाई है, नॉन मुस्लिम्स की भी और मुस्लिम्स की भी, तो उनको इंशाल्लाह हम लोग कैटर करेंगे। और मुस्तकबिल में अभी हम लोगों का जैसे मैंने बताया बशीरहाट और सॉल्ट लेक है, इसके साथ साथ हम लोगों का डायमंड हार्बर है और कैनिंग एरिया है, उसी के साथ साथ जॉय नगर है, और उसी के साथ साथ मलिकपुर है, बरईपुर है, और आरामबाग है, और टीटागढ़ है, ये सब इलाके हैं, और भी दीगर दूसरे जगह में आएंगे इंशाल्लाह, और हम लोग कर पाएंगे तो करते रहेंगे। हमने तो तय कर रखा है कि हम लोगों को इंशाल्लाह मिलता रहेगा, और हम लोगों के सामने भीख मांगते रहेंगे, हाथ फैलाएंगे,
और हमारे पास जो आता रहेगा इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जो हमारी दीदी और हमारा बेसिकॉल गवर्नमेंट ये लोग जो यहाँ के लोगों को इस महामारी में बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं हम उनके साथ सपोर्ट करेंगे। हम लोग खासतौर से कलकत्ता पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि वो लोग मुस्तकिल बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं पूरे प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितनी भी संस्थाएँ काम कर रही हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो करें, और कोलकाता पुलिस को भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि वो लोग हम लोगों को बहुत प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हमारे बहुत ख्याल रख रहे हैं हम लोगों का। और परमिशंस भी हम लोग मांगने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि परमिशन देना तो हमारे प्रोटोकॉल्स में इस वक्त नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग फॉलो करेंगे अगर पूरे रूल रेगुलेशन को, तो आप लोग काम कीजिए, अच्छा काम है, हम सपोर्ट करेंगे। দেখুন খুব সুন্দর কাজ যেটা আপনারা করছেন, আর এখন আপনি শুনতেই পেলেন যেটা বলেছেন উনি, এখন অবধি যেগুলো কিট যেখানে যেখানে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেছে আপনি শুনতে পেয়েছেন। যদি গভর্নমেন্ট আমাদের যেতে একটু সাহায্য করে এনাদের, তো আমার আশা করি আমরা এনাদের সংস্থাকে আরও খুব সুন্দরভাবে সাজাতে পারবো, আর এনার সংস্থারা অনেক সুন্দর কাজ করতেও পারবে। যদি এটা গভর্নমেন্ট একটু যেতে জানছে বা শুনছে বা দেখছে, একটু প্লিজ আপনাদের কাইন্ডলি দেখবেন, একটু এই সংস্থার দিকে একটু তাকাবেন। যদি আপনাদের সাথে কোনো সাহায্য কোনো রকম হয় তো আপনি সংস্থার দিকে আসবেন, একটু সাহায্যটা হাতটা আগে বাড়াবেন। আমরা এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এই মেসেজটাই দিচ্ছি সবাইকে। এনারা কিট শুধু কোনো ধর্ম দেখে দিচ্ছে না, প্রত্যেকটা ধর্ম লেগে কিটটা তৈরি হচ্ছে প্রত্যেকটা জায়গায়। দেখুন এখন কী বলতে চাইছেন একবার শুনুন। ধর্ম নিয়ে সরি ইন্টারাপ্ট কর রহা হুঁ, জেসে আবি আজ সুন্দরবন সে ওয়াপস আয়া, হিন্দু মুসলিম একতা মঞ্চ জিজে খান রোড কা হ্যায়, वहाँ के चार पांच भाई बहन और मुस्लिम शर्मा जी थे वहाँ पे, और एक वैष्णो देवी है क्या नाम था वो आए थे, और एक हमारे मुन्ना भाई जो मुसलमानों की तरफ से हैं। तो इन लोगों ने मिलकर बहुत अच्छी एक सोसाइटी बसाई है, बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ पे। 154 लोगों की फहरिस्त उन्होंने लाकर मुझे दे दी। मेरी हैसियत नहीं है वो, मैं बहुत मामूली आदमी हूँ, एक मस्जिद का इमाम हूँ और एक मौलवी आदमी हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे दिल में इन लोगों के लिए भी इरादा आया है इंशाल्लाह। हमने अपने ग्राउंड सर्वेयर ऑफिसर्स को परवेज़ अहमद साहब को वो फॉरवर्ड किया है कि वो देख लें एक बार इंशाल्लाह। तो अगर हम लोगों को तावन मिला तो इंशाल्लाह उनको हम लोगों ने इरादा किया कि उनको भी हम लोग पहुँचाएंगे, बहुत ज़रूरतमंद है वो लोग। दूसरे संस्था वाले लोग भी उनके बारे में गौर करें। इसी के साथ साथ आज हम लोगों का 50 इफ्तार का सामान रेडीमेड, जिसके अंदर केला, मौसमी, खीरा और खिचड़ा होता है, वो 50 पैकेट मेरे पास आया, पूरा का पूरा मैंने वहाँ भेज दिया, और इंशाल्लाह हम डेली वहाँ पर भेजेंगे इस तरह से, और भी बढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह। আপনারা শুনতে পেলেন এনার পুরো বক্তব্যটা, কীভাবে বক্তব্যটা মেনে রাখলেন, খুব সুন্দর ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন সবাইকে যে মহামারীর সময় সবাই একসাথে মিশে কাজ করুক, গভর্নমেন্টও হেল্প করুক, অথবা আর কাউকে যদি হেল্প করার আছে এনার সংস্থাতে আপনি হেল্প করতে পারেন, এনার সহযোগিতা করতে পারেন। একসাথেই কাজ হয়, সহযোগিতা করলে সাথে একসাথে কাজ হয়। যদি যে আপনাদের সাথে যদি সম্ভব হয় এনার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন, এনার নাম্বার অথবা এই সংস্থার নাম, জায়গার অ্যাড্রেস সব আমি আপনাকে বিস্তৃতভাবে দিয়ে দেবো এই চ্যানেলের মাধ্যমে, আমরা দিয়ে দেবো আপনাকে। আমরা একটা সোশ্যাল মিডিয়ার দিক তরফ থেকে এই জিনিসটা করেছি, সোশ্যাল মিডিয়ার দিক থেকেই আমরা এসেছি। আমরা শুনতে পেলাম, দেখতে পেয়েছিলাম ওনাদের যখন KGB নিউজ একটা আছে, JKB নিউজে আমি দেখেছি ওনাদের একটা কাজটা খুব সুন্দর কাজ করেছেন, তাই আমি ওনাদের কাছে চলে এলাম ওই মুহূর্তে, যে সংস্থা খুঁজে যে এটা আছে কোথায় আমি জানতে চাইলাম। তো এসে যখন পৌঁছেছি তখন এনার সাথে পুরো দেখা হলো, কথা হলো, আপনারা শুনতে পেলেন। এই মুহূর্তে আমি ওনাদের কিটও দেখাবো আপনাকে, যে কিটটা ওনারা এইভাবে তৈরি করে কীভাবে তৈরি হয়েছে, ওনাদের কিটগুলো কোথায় কোথায় ডিস্ট্রিবিউটেড লেগে রেডি আছে সেটাও দেখিয়ে দেবো আপনাকে। এই মুহূর্তে আপনাকে ওটাও দেখাবো কীভাবে কিটগুলো প্যাক হচ্ছে সেটাও দেখাবো, কিটে কী কী যাচ্ছে সবাই আপনি সব দেখতে পাবেন আপনি।